ये जो रास्ता आप लोग देख रही हो ना, ये गुवाहाटी से सिलचर तक जाता है। तो हम लोग भी अभी इस रास्ते से जा रहा हूँ। ये इंडिया का मोस्ट डेंजरस रोड में आती है, जो पहाड़ी के ऊपर से चलता है पूरा गाड़ी। तब थोड़ी सामने जाओगी तो देखोगी क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होते। और इस रास्ते में सबसे बड़ा बात है कि ऐसे बारिश के मौसम में तो आपको पूरा सावधानी से चलाना चाहिए, और बारिश नहीं होने से तो थोड़ा बहुत जा सकती हो आप। आगे थोड़ी जाओगी ना तब पता चलेगा ये रास्ता कैसा है। और इसमें मज़ा का बात ऐसा है कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल भी आता है। तो हम लोग जा रहे हैं उस साइड में जो गुवाहाटी से सिलचर, इसके बाद मैं जाऊँगा त्रिपुरा तक। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा आप लोगों को गुवाहाटी से सिलचर तक जो डेंजरस वाला जो जगह है, हाफलॉन्ग में जो जगह आती है। तो देखते रहिए। यहाँ पे तो रास्ता में बहुत बारिश भी था, आप लोग अभी तक यहाँ पे देख रही है जो टनल में घुसने से पहले जो बारिश था ना, बारिश का पानी अभी तक गिर रहा है वो सामने से। तो इसका बात ही रास्ता और सही नहीं होते जो हाफलॉन्ग का जो रास्ता है। और ये जो रास्ता है ये है इंडिया का नेशनल हाईवे है 27। तो अभी आ रहा है डेंजरस वाला जो जाएगा, और वही है जो अंडरग्राउंड टनल था। जो अभी से स्टार्ट होने वाला है, जो खतरा वाला जो रास्ता है अभी से स्टार्ट होगी। आप लोग देख रही हो जो रास्ता का हालात कैसे है। और थोड़ा सामने जाओगे तो पूरा मिट्टी वाला रास्ता मिलेगा। और मगर ये जो रास्ता आप देख रही हो ना, ये नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे NH-27। हम लोग अभी इसी रास्ते से जा रहे हो। और ऐसे भी आपको सिलचर आने के लिए और एक दूसरा रास्ता भी मिल जाएगा, जो मेघालय का होते हुए आता है, मेघालय और शिलोंग के बीच में से आता है। तो यहाँ पे इस रास्ता पे तो आपको चलाने, जब आप गाड़ी चलाओगी, आप गलती से भी कभी भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, तो आप सोचो कि इतना गाई में जाओगी, इतना नीचे जाओगी, आपको वैसे आप लोग खुद आ सकती हो, मगर पैदल करके गाड़ी का भी नहीं उठा सकता है। यहाँ पे जितना गाड़ी गिरा हुआ है ना, मैंने देखा है उतना गाड़ी वहाँ पर नीचे ही है, कोई भी गाड़ी ऊपर लेके नहीं आया। और आप सबको मेरी तरह से और एक रिक्वेस्ट भी है, जब आप लोग इस रास्ते में गाड़ी चलाओगी ना, नशा भाई मत करना, ड्रिंक्स नहीं करना, क्योंकि ड्रिंक करने से आपको तो इस रास्ते में आप चला ही नहीं पाओगी। मतलब एक ही बात, आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, जब नीचे की तरफ जाओगे आप लोग, पूरा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसे नीचे की तरफ जाती ही रहोगे घूम के। जब ऊपर की तरफ जाओ भी, वो भी घूम के जाना ही पड़ता है। ऐसे सीधा कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकता है, सीधा कोई भी गाड़ी नीचे नहीं जा सकते, तो बहुत हाइट हो जाएगा, इसलिए घूम के जाना पड़ता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा म्यूज़िक के साथ, सामने जाके आप लोगों से फिर बात करता हूँ। देखते रहना वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और अपना दोस्तों और जो अपना प्यारी दोस्त है उन लोगों को भी शेयर करना। तो चलो म्यूज़िक के साथ आगे चलते हैं।
और सबसे बड़ा जो बात है, इस रास्ता पे आप लोग फंस जाओगे ना तो आपका गाड़ी ख़राब हो जाएगा या कुछ ख़राब हो जाने से ना आपको इतना जल्दी हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता का साथ कोई भी घर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो टाइम में हम लोग गाड़ी चला रहा हूँ ना, उसी टाइम के बाद पहले मैंने गाड़ी क्रॉस किया था, अभी और दूसरा दो गाड़ी एक साथ क्रॉस किया। आप लोग देख पाओगे आगे रास्ता और भी ख़राब है, और थोड़ी टाइम में शाम भी हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, उसका सामने आपको मिट्टी वाला रास्ता मिल जाएगा देखने के लिए। अभी तो भाई रात हो गई है, रात की वक्त में तो गाड़ी इस रास्ते में चलाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो जो मिट्टी वाला रास्ता था वो भी अभी तक क्रॉस नहीं किया हम लोगों ने, तो अभी अभी थोड़ी ही सामने आ जाएगा मिट्टी वाला रास्ता, आप लोग देख पाओगे। और वो रास्ता इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, आपको तो मालूम ही है ना, जो जहाँ पर कीचड़ होता है वहाँ पर गाड़ी चलाना कैसा मुश्किल हो जाता है, ऐसे भी गाड़ी फंस जाता है, जो धक्का भी लगाना पड़ता है कभी कभी रास्ता में, ऐसा होता है। और बारिश का मौसम होने से तो भाई क्या बताओ। तो भाई आ गया अभी मिट्टी वाला रास्ता में, तो यह सही छोड़ होती है और भी खतरा वाला रास्ता। आप लोगों को पहले भी एक बार मैंने बताया कि भाई यहाँ पे गाड़ी पूरा सावधानी से चलाना है, तो अभी भी मैं आप लोगों को वही बोल लूँगा, वही बात बोलूँगा दोबारा। तो हम लोग सिलचर का एरिया तक अभी आ गया, और सबसे जो बड़ा बात होता है कि ये रास्ता भी काम चल रहा है, मतलब दो तीन साल के अंदर मुझे लगता है काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जब नया रास्ता बन जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा गाड़ी चलाने में। तो इतना दिन तक जो आओगी इस रास्ता में तो उस टाइम सावधानी से चला के आना। आज के लिए वीडियो इतना में ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो मैंने पहले भी बताया, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना दोस्तों को शेयर करना वीडियो, और वीडियो लाइक करना, और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताना, क्योंकि इसलिए तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया ना। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वीडियो बना के फ़ायदा क्या है मुझे भाई।